क्या आप सभी को लोन चाहिए? दोस्तों, अगर आप सभी लोन के लिए ज़्यादा परेशान है, कहीं से आप सभी को लोन नहीं मिल पाता है, आप सभी ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं लोन के लिए, और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो कि आप सभी ट्राई करते हैं, प्ले स्टोर पे आकर के आप सभी किसी भी एप्लीकेशन से ट्राई करते हैं, तो ज़्यादातर एप्लीकेशन आप सभी को 7 डेज के लिए ही लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में आप सभी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आप सभी को मंथली ईएमआई पे लोन प्रोवाइड करता है और कौन सा एप्लीकेशन आप सभी को 7 डेज के लिए लोन प्रोवाइड करता है। आप सभी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं फेक फ्रॉड एप्लीकेशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप सभी लोन के लिए ज़्यादा परेशान है, कहीं से आप सभी को लोन चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 20 ऐसे एप्लीकेशन जो RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, और वे सारे के सारे एप्लीकेशन आप सभी मंथली EMI पे जो कि लोन प्रोवाइड करता है, 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ के लिए जो कि लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एक एप्लीकेशन है जहाँ से मैं लोन लिया हूँ, तो ये एप्लीकेशन मुझे 3 मंथ के लिए जो कि लोन प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे कोई भी मंथली पेमेंट नहीं करना होता है, डायरेक्ट 3 मंथ के बाद मुझे टोटल यहाँ पे पेमेंट करना है। तो ऐसा एप्लीकेशन अगर आप सभी चाहते हैं मंथली EMI पे आप सभी को लोन मिल जाए, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कैसे आप सभी को लोन लेना है और किस किस एप्लीकेशन से आप सभी को लोन के लिए जो कि अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो आप सभी यहां पे देखेंगे एक एप्लीकेशन है जहां से मैं लोन लिया हूं, 1000 का लोन लिया हूं, मेरे अकाउंट में 851 रुपये क्रेडिट किया गया है और मुझे यहां पे कोई मंथली पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे 3 मंथ के बाद जो कि ये पेमेंट करना है पूरा 1044 रुपये जो कि पूरा 3 मंथ के बाद मुझे यहां पे पेमेंट करना है, बीच में कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करना है। और मेरे अकाउंट में अमाउंट जो क्रेडिट किया गया था 851 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, 1000 लोन अमाउंट यहाँ पर आप सभी देखेंगे और टोटल 1044 रुपये ही मुझे पेमेंट करना है। एक और लोन एप्लीकेशन आप सभी यहां पे देखेंगे गाइज, ये दूसरा लोन एप्लीकेशन है, यहां से भी मैंने गाइज 500 रुपये का लोन लिया जिसमें मेरे अकाउंट में 448 रुपये क्रेडिट किया गया और मुझे यहां पे टोटल पेमेंट करना हुआ 515 रुपये जो कि पेमेंट करना था, जिसमें से मैं यहां पे 100 रुपये जो कि पेमेंट कर चुका हूं, बाकी का 415 रुपये मुझे यहां पे पेमेंट करना है। तो ये लोन मैंने 1 मंथ के लिए ही लिया था, हालांकि 2 मंथ के लिए भी यहां से मिल रहे थे, लेकिन मैं 1 मंथ के लिए ही लोन यहां पे लिया हूं। तो ये भी एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड है, प्लस में सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, यहाँ से आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक का जो कि लोन यहां से मिल पाएगा। अगर आप सभी को 50,000 से ज़्यादा का लोन चाहिए तो इस एप्लीकेशन से आप सभी को ट्राई करना है। दोस्तों, यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, पहला आप सभी को क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सभी को 1,00,000 रुपये तक का लिमिट मिल सकता है, जिसमें मुझे यहाँ पे देखेंगे आप सभी 10,000 का लिमिट मिला है, जिसमें से मैं 6,209 रुपये यूज किया हूँ, बाकी के 3,790 रुपये अभी भी मेरा यहाँ पे जो कि अवेलेबल लिमिट में बाकी है, 6,209 रुपये मैंने इस्तेमाल किया हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को मंथली EMI पे जो कि मिल जाता है और यहाँ से आप सभी को 1,00,000 रुपये तक का पर्सनल लोन भी मिलता है। तो अगर आप सभी ज़्यादा परेशान हैं तो आप सभी इस एप्लीकेशन से लोन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोन लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके आप सभी लोन के लिए जो कि अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे आप सभी को लोन के लिए अप्लाई करना है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं आप सभी को 20 ऐसे एप्लीकेशन जहां से मैंने आप सभी को अभी 3 लाइव प्रूफ दिखा दिया हूं जो कि मंथली EMI पे मुझे लोन मिला हुआ है। तो ऐसे ही 20 एप्लीकेशन मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल अलग करके रखा हूं। अगर आप सभी लोन के लिए ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से आप सभी को लोन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप सभी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, अपने आप से जो कि प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अप्लाई कर लेते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो आजकल ज़्यादातर 7 डेज वाले ही एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर है, जेन्युइन एप्लीकेशन काफ़ी कम है। तो इसलिए ऐसे में आप सभी ज़्यादा कंफ्यूज है, तो दोस्तों आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने आप सभी को 20 ऐसे RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जहाँ से मैं खुद जो कि लोन लिया हूँ, जिसमें से 3 महीने आप सभी को यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया हूँ, बाकी के 17 और रह गए हैं। तो कैसे आप सभी को अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे आप सभी को एक लिंक मिलेगा, RBI 20 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें तो आप सभी को 20 एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, प्लस में उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी वहीं पे आप सभी को मिल जाएगा कि कैसे आप सभी को अप्लाई करना है, प्लस में एप्लीकेशन का नाम भी आप सभी को वहीं पे मिल जाएगा। वे सारे के सारे एप्लीकेशन RBI एंड NBFC है, उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है सभी आप सभी को मंथली EMI पे लोन प्रोवाइड करता है, जेन्युइन एप्लीकेशन है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है सभी के सभी। तो आप सभी ज़्यादा इमरजेंसी में है लोन
लोन लेना चाहते हैं तो उन विषयों से ट्राई कर सकते हैं। किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर आप सभी को 100% जो कि लोन मिल ही जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ पे आप सभी उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे मर्जी है उससे आप सभी ट्राई कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर दोस्तों आप सभी को लोन मिल जाए तो एक कॉमेंट ज़रूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।